ही जान जाने दिया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि सर आ रहे हैं आ रहे हैं। पर मैं आप मीडिया के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, मैं मीडिया के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर साहब को बहुत शुक्रिया अदा देना चाहूंगा कि ये देख लो आपके जम होगी जी गल कोई गल नहीं अस तुंदे कन्ने साथ हैं इन्ना रखने हूँ एस चो साहब सवेरे आइए साडे कन्ने खड़ोते आखा दे असें क्या इनके खिलाफ जा दे अस करने बड़ा कुछ करी सकने पर नहीं सुनो जी मैंने इनको बोल देखो बड़ी दुख की बात है जी ठीक है जिस किसी के साथ कोई गलत हुआ है या जो भी हुआ है बड़ी दुख की बात है जी ठीक है इसके हम कोई इंक्वायरी करवाएंगे ठीक है पर इसके लिए टीम बनानी पड़ेगी जी टीम बनाएंगे इंक्वायरी करवाएंगे अगर कोई डिफॉल्टर होगा तो उसे कानूनन सजा मिलेगी ठीक है बस ठीक है ठीक सर ये तो होगा हाँ आज की डेट में आप बताएं कि आज उस बच्ची का यहाँ पे जिंदा नहीं है वो हमारे बीच में नहीं है हमारी छोटी बहन है उसके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं सर एक तो कल डिलीवरी हुई दो बच्चे उसके पहले हैं वो स्कूल जाने के लिए वो माँ तैयार करती थी आज वो माँ नहीं रही हम उनको बच्चों को क्या जवाब देंगे सुबह वो आए थे यहाँ पे उसको मिल के गए उसके बाद वो अचानक डेथ हो जाती है हमें तब बताया जाता है वो लड़की जब अधमरी हो जाती है पहले हमें बताना चाहिए था कि हमारे पास कुछ नहीं है आप यहाँ से जम्मू ले जाओ जम्मू आपको अच्छी सुविधा मिलेगी वहाँ पे आप जाके इसका ट्रीटमेंट कराओ तो हम वहाँ पे ले जाते हैं अगर इनके कंट्रोल में नहीं था जी इन्हें पहले ही बताना चाहिए था इसलिए इंक्वायरी करवाएंगे ठीक है इंक्वायरी करवाने के बाद जो डिफॉल्टर होगा उसे सजा मिलेगी देखो इंक्वायरी इसी बात की होगी कि भाई अगर इनके हाथ में नहीं था तो इन्होंने क्यों लिया केस क्यों लिया बाकी देखो किसी के साथ कोई दुश्मनी होती नहीं है जानबूझ के कोई ऐसा कोई नहीं करता हमें भी करता जो नेग्लिजेंस होगी उस पे कार्रवाई होगी बता दियो नायब साहब भी बोल रहे हैं आप एक कंप्लेंट फाइल हमें रिटर्न में चाहिए सर आप लिख के देंगे आप डीसी साहब को बुलाएं हमें रिटर्न में दें कि उन बच्चों की सहायता जो डिपार्टमेंट करेगा या फिर हॉस्पिटल अखनूर करेगा यहाँ पे बीएमओ साहब हैं जो इंचार्ज वो सब कुछ करेंगे क्योंकि हम यहाँ से चले जाएंगे आपका आश्वासन दिया आपने हमने आपको सुना हम सुनने से कुछ नहीं होगा सर हम चले जाएंगे गरीब बंदे हैं दिहाड़ी लगाने चले जाएंगे वहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला आएगा ना नायब साहब आएंगे ना एसएचओ साहब आएंगे एसएचओ साहब तभी आएंगे जब इनको याद करेंगे नायब साहब तब आएंगे जब हम इनको याद करेंगे पर उन बच्चों का क्या हालत होगी उस इसके दौरान